हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको नर और मादा यानी खरगोश खरगोशनी से परिचित कराऊंगा। किस तरीके का इनका जाल होना चाहिए, कैसे इनका रखरखाव करें, ये क्या क्या खाते हैं, इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे इन्हें रखा जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देखो, इस तरीके का इनका जाल होना चाहिए। यदि आपका घर खुला है, ठीक है, कोई जगह नहीं है बंद कमरे में, तो आप इस तरीके के जाल में इनको रख सकते हैं। ठीक है, ताकि बिल्ली बंदर कुत्ता इनको तंग नहीं कर पाए। ठीक है, अब मैं अपने नर और मादा से आपको मिलवाता हूँ। अभी देखो, ये भी घास धनिया खा रहे हैं। ठीक है, ये स्वीटी, हमने इसका नाम रखा है स्वीटी। ठीक है, ये मादा है और ये नर है। ठीक है, ये घास, घास के साथ साथ घास तो बहुत फेवरेट है इनकी, ये धनिया है, घास धनिया, ये पत्ता गोभी है, ये सारे सामान खाते हैं ये अपने। ठीक है, और इनका जो ये कंबल है ना, ये जो मैंने फर्श मैट बिछा रखी है, इस पर ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सूखी होनी चाहिए बिल्कुल, ज़्यादा गंदगी नहीं हो इस पर। गंदगी होगी तो ये खाना नहीं खा पाएंगे और परेशान रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नमी नहीं हो, देखो निकलने का प्रयास कर रही है, और इनको घुमाने का भी प्रयास करें आप। ठीक है, जितना आपने, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो 10-5 मिनट सुबह शाम घुमा लीजिए, ताकि ये फुर्तीले हो जाएं और ये थोड़े से परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पिंजरे में बंद पागल हो जाते हैं। अभी इसका घूमने का मन था, अभी ये घूम रही है स्वीटी। ठीक है, तो इनका ध्यान रखें आप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो संजय रैबिट फार्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है रैबिट पालने में, तो आप हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।